क्या हुआ राजू, मैच खत्म होकर कितना समय हो गया है और तुम अब तक घर नहीं गए? नहीं सर, घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अगर मैं घर जाऊंगा तो पापा मुझे डांटेंगे। क्या हुआ, क्या किया तुमने? सर मार्कशीट भी आ चुका है, अगर मैं घर जाऊंगा तो पापा मुझे डांटेंगे। ओहो, यह है तुम्हारी समस्या। आओ मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। क्या बात है, स्कूल का समय होकर कितना समय हो गया, फिर भी बेटा अभी तक घर क्यों नहीं आया? शायद कुछ समस्या तो नहीं? दूर से राजू और पीटी सर जैसा कोई आ रहा है, चलो पास जाकर देखता हूँ। अरे सर आइए आइए, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, पर राजू के बारे में। क्या सर, क्या राजू के बारे में? इसने स्कूल में कुछ गड़बड़ी तो नहीं किया? गड़बड़ी तो नहीं, पर वो फेल हो गया, इसलिए वो आपके सामने आने के लिए काफी डर रहा है। सर उसका फेल होना यह हमेशा की बात हो गई है। मैं उसे ट्यूशन भी भेजता हूँ और वह कहता है मैं ट्यूशन जाता हूँ, पर वही जानता है क्या करता है। वो एक बुद्धू है सर और किसी लायक नहीं है। अरे सर आप ऐसा मत कहिए, हर एक व्यक्ति में अलग अलग क्षमता होती है। आपका बेटा पढ़ाई में डल होगा, तो क्या हुआ, वो खेल में गोल्ड मेडलिस्ट है। अब आप ही देखिए, हमारे पूरे स्कूल को राजू का अभिमान है। आप हमेशा उसे डांटने के कारण वो अपने आप को कम समझने लगा है। आप थोड़ा हटकर सोचिए, अगर आप उसे एंकरेज करोगे तो अपने लाइफ में कहां से कहां जाता है, आप ही देखोगे। क्या सर, मेरा बेटा स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडलिस्ट है? अभी तक मुझे यह बात का पता नहीं था सर। मेरे बेटे में इतनी बड़ी खूबी है, यह आपके द्वारा मुझे आज समझ में आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे बेटे को सही तरीके से जानने के लिए आपने मुझे मदद किया। पौलुस को जब ना हुई थी हानि, लोगों ने
तेरे प्रभु की महिमा देखी। यीशु के प्रेम में जी रहा था पौलुस, तुम भी यीशु के प्रेम में जियो। यीशु ही है जीवन दाता, मार्ग सत्य और जीवन है वो। यीशु के प्रेम में जी रहा था पौलुस, तुम भी यीशु के प्रेम में जियो। यीशु ही है जीवन दाता, मार्ग सत्य और जीवन है वो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर। आपने राजू की हीन भावना को दूर करके उसे गोल्ड मेडलिस्ट में बदला, इसलिए मैं आपकी काफी प्रशंसा करता हूँ। बबलू भैया, जो मैंने मन में सोचा था वैसा ही आपने कह दिया। राजू के माता पिता को जो अच्छी खबर मिली है सभी को मिलना चाहिए।